ना ही तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते हो, ना ही मेरी कोई कॉल अटेंड कर रहे हो। हाशिया, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? जब मैं तुम्हारी मोहब्बत के तुम्हारे एतबार के काबिल ही नहीं हूँ तो फिर क्यों कर रही हूँ मैसेज? मोहब्बत करती हूँ ना तुमसे, इसीलिए तो परेशान होती हूँ। और जितना खुद परेशान होती हो उससे कहीं ज़्यादा मुझे परेशान कर देती हो तुम। देखो, अगर तुम हारिस के एटीट्यूड की वजह से नाराज हो तो मैं सॉरी कह रही हूँ ना तुमसे। जब तुम्हारी ही नज़र में मेरे प्यार की कोई हैसियत नहीं है तो तुम्हारे भाई के एटीट्यूड की कंप्लेन करने का तो मुझे कोई हक ही नहीं है ना। है ना हक, किसने कहा नहीं है? पता नहीं हारिस को उस दिन क्या हो गया था, लेकिन तुम यकीन जानो मैंने उसकी बहुत क्लास लगवाई है। ये सब भी तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझसे नाराज होती, ना तुम्हें मनाने के लिए मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ता। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था, कम से कम तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह तो है। तो अब ये यकीन करने के लिए तुम मुझसे नाराज हुआ करो। अगर तुम मौका नहीं दोगे तो मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, सब कुछ, सिर्फ तुम्हारी नाराजगी नहीं कर सकता। अच्छा, इसीलिए दो दिन से मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया तुमने। कांटेक्ट खत्म करना होता तो यहाँ होता तुम्हारे साथ। वैसे उस दिन हारिस ने जिस तरह रिएक्ट किया उसका एक फायदा तो हुआ, घर में सबको पता चल गया कि तुम और मैं रिलेशनशिप में। तो तुमने कह दिया होगा सब कुछ सबके सामने? बिल्कुल, मामा को तो पहले से ही पता था। अब हारिस ने कहा है कि हाशिया से कहो अपने पेरेंट्स ले आए। अब तुम प्लीज जल्दी से अपने पेरेंट्स ले आओ मेरे घर। तुम्हें याद है ना इसी बात पर मूड ऑफ हुआ था तुम्हारा, तो इस वजह को खत्म कर देते ना हमेशा के लिए। ओके ओके, ठीक है, कर लूंगा बात पेरेंट्स से। बस पक्का? पक्का। करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार।